राम राम भाई, सारे भाइयों को भाई के चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो एक बात बतानी थी भाई, आपके भाई का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कल हुआ ये कि भाई 7-8 बच्चे, जैसा कि आपको पता है मैंने बच्चे निकलवा रखे थे काफी, तो कल 7-8 बच्चे थे कि ची ची करते हुए थे। मैं दड़वा साफ कर रहा था ना, तो वो डर के मारे उड़ गए सारे के सारे। भाई इतने शानदार बच्चे थे, 2-3 बारी उड़े थे, बस हिलाड़े के लिए उड़ाए थे मैंने। 7-8 बच्चे रात सुबह के उड़े हुए कबूतर, मतलब ये मान लो 10 बजे करीब करीब उड़े थे वे, तो रात निकल गए और एक भी नहीं, 7ों में से एक भी बच्चा नहीं आया अब तक। ठीक है, तो बहुत पुरानी नस्ल के, बहुत पुरानी नस्ल है, जो 50-50, 60-60 साल पुराने कबूतर होते हैं ना, जो आपको किले पे मिल जाते होंगे, लाल किले पे नहीं भाई, जब पुराने जमाने में जब जो इंसान कबूतर रखते थे ना, बड़े बड़े उस्ताद लोग, किले होते थे जैसे राजा महाराजा वाले, ऐसी नस्लों वाले कबूतर थे वे। बड़ी मुश्किल से इकट्ठे करे थे भाई, बहुत जगह हाथ पैर मार के, तो उनके बच्चे निकल गए। जिसके भी हाथ लग जाएंगे भाई, बहुत मोजे मार लेगा, बहुत मोजे हो जाएगी उसकी तो कबूतरबाजी में। हालांकि देवे तो कौन है भाई, अब जिसके हाथ लग गए कौन पता भी ना लगा अब तो कहाँ पर निकल गए। बाकी इंतजार है, क्या पता अभी जाए भाई। हाई फ्लायर कबूतर हो गए थे, तो उनके माँ बाप का आज आपको शोक करवाता हूँ। जो 50-50, 60-60 साल पुरानी नस्ल थी ना, वो आपके भाई ने जमा कर रखी आज भी, और उनके बच्चे इतने उड़ते भाई, क्या बताऊं मैं आपके। उन जो बच्चे हैं उनके भाई बंधु भी दिखाता हूँ, तो आप देखना, अगर आपके वहां पे अगर ऐसे कबूतर आए हो तो आप बताना जरूर भाई। ठीक है, अचानक से वो बैठेंगे नहीं किसी का, इतना पता मैंने, पूरा दम लगा के एंड हो गया, बिल्कुल मामला सेट होगा। तो वो कबूतर दिखाता हूँ आपको, पुरानी नस्ल के जो जो मेरे पास है, और जिस भाई को उनके बच्चे अगर बुकिंग करवानी हो तो नंबर दे देता हूँ मैं, 8930434816। उड़ान की बिल्कुल गारंटी, आप कबूतर देखते ही जो असली खिलाड़ी होगा ना भाई, कबूतर देखते ही पहचान जाएगा, हाँ इसके बच्चे तो चीजें उड़ेंगे। ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ भाई एक एक करके सारे कबूतर वे। तो पहला कबूतर देखो भाई, पहला कबूतर ये है जो कम से कम भी 60 साल पुरानी नस्लों में से जो कबूतर बनते हैं ना, उन कबूतरों में से, बॉर्डर वाला कबूतर बोलते हैं इसे, तो उन नस्लों में से ये कबूतर भाई, पहले जैसे जमीन पर रखते थे लोग कबूतर, उन कबूतरों में से कबूतर है ये। आप असली खिलाड़ी होगा, देखते पहचान जाएगा, देख लो ये, देखो भाई बहुत बड़ा कबूतर है ये। मैं ये नहीं बोल रहा भाई इसकी उम्र 60 साल है, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ ये 60 साल पुरानी नस्लों में से ये कबूतर, जैसे कि लाल किला हो गया, ये अपना ताजमहल हो गया, ये भी पुराने पुराने बने हुए हैं आज के। ऐसा तो है ना कि भाई हम पैदा हुए थे जब बने थे, बहुत पहले के बने हैं, और हम आज भी हैं तो, और ये भी हैं, तो ऐसा ना है कि भाई इसकी उम्र 60 साल है, लेकिन इसके जो माँ बाप थे वो पुरानी नस्लों में से कबूतर हैं। वही चीज आज बनती आ रही है, इसके बच्चे भी दिखाता हूँ आपको। इसके बच्चे कल निकल गए हैं, इसके 2 बच्चे निकल गए हैं कल। ठीक है, और बाकी कबूतर भी दिखाता हूँ, इसके जोड़े में भी दिखाता हूँ कबूतरी। तो पहला कबूतर तो देखो ये है, इसके कल 2 बच्चे निकल चुके हैं भाई। इसके जो बड़े बच्चे हुए भी दिखा देता हूँ, वो भी सेम वैसे ही हैं जो कल निकल गए हैं बच्चे। ठीक है, ध्यान से देखो भाई, शोक करो कबूतर का, कमेंट में बताना कैसे कबूतर हैं। ठीक है, पुराने, इसके कैची मारनी पड़ेगी, अभी कल रह गया था बार, आज जितने भी सारे कबूतर हो कैची बिठानी पड़ेगी भाई, क्योंकि कल 7 कबूतर निकल चुके हैं। पहला कबूतर हो गया ये भाई, आपको अब दूसरे की, इसके जोड़े की कबूतरी दिखाता हूँ, और इसका भाई दिखाता हूँ एक, तो ये इसका, इस कबूतर का भाई है भाई, इसके भी कल 2 बच्चे निकल गए, कैची कर रखे इस कबूतर को तो मैंने, खैर ये इस कबूतर का भाई है, शोक कर लो, आंखों का शोक करो भाई। तो इन कबूतरों के बच्चे मैं आप सबको देता हूँ, जो भी मेरे पास, हालांकि मेरे पास बचते नहीं है भाई, लोग जो पहले बुकिंग करवा लेते हैं, आस पड़ोस के गांव के लोग ले जाते हैं बुकिंग करवा के। ठीक है, देख लो कैसा कबूतर है, कंड काठी भी बहुत शानदार कबूतर की है, ये पंजे है कबूतर के बिल्कुल, ये भी पुरानी नस्लों में से कबूतर है। तो और दिखाता हूँ आपको, इसके कबूतर कबूतरी भी दिखाता हूँ, और इसके जो बड़े बच्चे वो भी दिखाता हूँ आपको। दूसरा नंबर, 2 नंबर कबूतर हो गया है, नंबर आपको पता ही है भाई, तो कमेंट में भी दे दूंगा, जिस भाई को बुकिंग करवानी है कम से कम 1 महीना लग जाएगा भाई आपके पास बच्चे मिलते मिलते।
तो इस कबूतरी की भाई जितनी तारीफ करूँ, ये उस जो पहले कबूतर दिखाया था उसकी बच्ची है ये, हालांकि कबूतरी बन चुकी है, मैंने उसी के बच्चे के साथ जोड़ा लगा रखा है इसका, ठीक है। इसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है भाई। इसके भाई कल है ना, जो इसका छोटा भाई, वो रात निकल गया, और इस कबूतरी के तो ऐसी मैं बता रहा हूँ, 11 रात को 11 11 कबूतरी बैठती थी मेरे पास सुबह की उड़ाई उड़ गर्मियों में। तो ये चेक करो कबूतरी भाई, पुरानी नस्ल हो, ये प्योर कबूतरी है, प्योर पुरानी नस्ल हो, ये हाई फ्लायर कबूतर है सारे जितने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। पता ना एक घूम तो रहा भाई, एक कबूतर ऊपर छत के ऊपर आसमान में, क्या पता वो बच्चा ही हो उनमें से कोई सा, ठीक है। कैच कर रखे, देखो वाइब्रेशन देखो कबूतरी की, हाथ में लेते क्या कांप रही है, असली कबूतर की पहचान होती है ये, कबूतर देखो कैसे कांप रही है कबूतरी हाथ में लेते ही। ये कबूतरी अंडों पे, अब ये कबूतरी ठीक है, इनमें से कोई कबूतर सेल के लिए नहीं है मेरे भाई, इनके बच्चे आपको मिल सकते हैं, वो भी आप अगर बुकिंग करवा दोगे बात करके तो आपको 15-20-25 दिन एक महीने बाद मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखो लल्जरी है, प्योर लल्जरी कबूतरी पुरानी नस्लों की, ठीक है। ये कबूतरी हो गया, आप आपको दूसरे दिखाता हूँ, इसके जो भाई बंधु है वो भी दिखाता हूँ आपको। तो अब ये जो कबूतर दिखाने जा रहा हूँ भाई, ये मेरी फेवरेट कबूतर, जो फेवरेट रंग में जो कबूतर आते हैं ना उन कबूतरों में से है, बॉर्डर वाले बोलते हैं कई लोग ने, तो ये कबूतर है देख लो, मेरी फेवरेट नस्लों में से है ये कबूतर, क्योंकि ये उड़ने में जब आता है ना भाई अच्छो अच्छो की, ठीक है, ऐसा कबूतर है ये। रंग रूप देखो कबूतर का, कट काठी देखो पतला सा है, और हाइट देखो कबूतर की, ये देख लो कहीं आपको लगे पूरे हाथ से लंबा है, कबूतर की आंख का शोक करो, ठीक है, एक नंबर कबूतर है, कैची मार रखा है ये। इसके जोड़े की कबूतरी दिखाता हूँ, डिट्टो ऐसी ही है, बहुत सोच समझ के जोड़े लगाता हूँ भाई मैं, ठीक है, बहुत शानदार कबूतर है। कबूतरी दिखाता हूँ इसकी कैसी है, बताना जरूर, तो ये कबूतरी है भाई देख लो, ये इसके जोड़े में कबूतरी लगाई हुई है मैंने, ये देखो ठीक है, सारे टॉप के कबूतर हैं, ये देखो बंद पूछ के कबूतर हैं सारे, सारे उड़ान सब की सेम है भाई। फेवरेट मेरे इसलिए है क्योंकि मुझे ये रंग बहुत पसंद है, पुरानी नस्लों का रंग बहुत शानदार नस्लों का, पाकिस्तान साइड मिलेंगे आपको ऐसे ऐसे कबूतर, बहुत ज्यादा जालदार कबूतर होते हैं, कहीं पे बॉर्डर वाले बोल देते हैं, कहीं पे जालदार कबूतर बोल देते हैं इनको, ये आपको पाकिस्तान साइड ज्यादा मिलेंगे ये कबूतर, अपने यहाँ पे तो ये नस्लें खत्म होती जा रही है, UAE में मिल जाएंगे बाहर की नस्लें, जैसे टेडी कबूतर हो गया उनमें से वो हुए हुए कबूतर है ये, ठीक है। तो ये जोड़ा है, उड़ान सबकी सेम है भाई, करीबन करीबन मैं सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे 11 बजे लाइटों पे उतारे हुए कबूतर हैं सारे के सारे, जो कि फिलहाल जोड़े में इस कबूतरी के पर आगे कैची में थी, इसको भी अब कैच कर दूंगा आपके सामने, ठीक है। तो एक ये जोड़ा हो गया, इसके बच्चे भी बहुत शानदार भाई साहब, कट काठी देख लो भाई आप, छोटी सी कबूतरी मीडियम, अगर आपको बच्चे है ना भाई बढ़िया उड़ार के निकालवाने ना, तो कबूतरी का वजन और कबूतर के वजन मैच नहीं होना चाहिए, कबूतर थोड़ा हल्का बड़ा होना चाहिए साइज में, लंबेपन में, और कबूतरी थोड़ी हाइट की छोटी रख लो आप, ठीक है, छोटी हड्डी की कबूतरी, हड्डी भी इसकी ये देखो इतनी 3 अंगल की हड्डी है सिर्फ, बाकी हुई 4 होती है लेकिन इसकी 3 है सिर्फ, जोड़ भी बंद पड़े हैं इतने साल हो गए मेरे पास जोड़े में, ठीक है। तो आपको अब नेक्स्ट जोड़ा दिखाता हूँ, जो कि सारे भाइयों का इतना पसंद आएगा भाई, ये जोड़ा देखना आप सबको बहुत पसंद आएगा, ठीक है, हालांकि मेरे को भी पसंद है, लेकिन मुझे वो जो पहले जोड़ा था वो ज्यादा पसंद है, ऐसे रंग के कबूतर, लेकिन आपको ये रंग बहुत प्यारा लगेगा, ठीक है, आपको दिखाता हूँ भाई हाई फ्लायर कबूतरों का ये रंग। तो ये देख काबू में ही ना आ रहे भाई कबूतर, ये रंग लगभग सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा, ये देखो ये इन्हें बोलते प्योर किले वाले कबूतर, प्योर किले वाले कबूतर, ये देखो मिट्टी जैसे कबूतर सारे, ये अपना हो गया, ये कबूतर देखो कबूतर, ये कबूतर है भाई आग का शोक करो, ठीक है, पंख बन इनके भी काटूंगा, इनके दोबारा आगे देखो, ठीक है, ये कबूतर है अपना, ये हाइट है इसकी, एक बार जो बच्चे ले जाता है ना भाई वहां सब मेरे पास तो बचते ही ना है, लगभग लगभग सबकी डिमांड भाई इन्हीं कबूतरों की होती है, तो इनके बच्चे आस पड़ोस में यहाँ पे ही निकल जाते हैं,
तो मैं वीडियो इनकी इसलिए नहीं डाल पाता, लेकिन कई भाई बोलते भाई हमें भी हमारी बात जी है ये है, इसलिए मैंने आज ये स्पेशल वीडियो बनाई है आपके लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये कबूतरी है भाई इसकी, ठीक है, कबूतर के मुकाबले कबूतरी हल्की पड़ती है जैसा ही मैंने बताया, पर इनकी भी सेम उडार है भाई, इसके भी पर काटने पड़ेंगे, दोबारा आ चुके हैं। अब आपको नेक्स्ट जोड़ा दिखाता हूँ जो कि मेरा फेवरेट जोड़ा है, ये रंग भी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं दिखाता हूँ आपको भाई, आप भी देखना कैसा है, ठीक है। तो ये चेक करो भाई, ये कबूतर आय हाय हाय, ऐसे ऐसे कबूतर जो होते हैं ना, ये टेडी कबूतरों में बना हुआ कबूतर है, प्योर नहीं है भाई, लेकिन टेडी कबूतरों में से बना हुआ कबूतर है ये, चेक करो पूरा अपना, ठीक है, बहुत ही शानदार कबूतर। इसकी कबूतरी और दिखाता हूँ, बिल्कुल इसके नेप की कबूतरी लगाई हुई है मैंने, ये देखो भाई साहब, आपको सच बताऊंगा ऐसे ऐसे कबूतर के बच्चे कोई देगा भी नहीं यार, देगा ना करीबन करीबन 5,000-6,000 से कम नहीं देता, क्योंकि मैंने एक जगह बात करी थी तो वो भाई बोल रहा था कि ची ची करते हुए बच्चे मिलेंगे, कि 6,000 के एक बच्चा और 3 कली के मिलेंगे, 8,000 के और पूरा बड़ा जोड़ा लोगे तो 15,000 का, भाई इतना बेहद किसका भाई, गरीब इंसानों का किसी का ना होता, ये तो बस आपके भाई ने जान पहचान बना के ऐसे ऐसे कहीं कहीं से इकट्ठे करे हैं, दिमाग लड़ा के, बहुत पुराने कबूतर हैं, ठीक है, और मैं कहीं से खरीद खरीद के ना लाया भाई, कहीं सोचो खरीद का भी लाया हूँ, ये बहुत पुराने आज से ना चलते आ रहे हमारे पास, ये बहुत पुराने कबूतर चलते आ रहे, करीबन करीबन 20 साल हो गए होंगे मेरे पापा कबूतर रखते हुए, ठीक है, उससे भी पहले मेरे दादा रखे आ रहे थे, उसमें से कबूतर बने हैं ये, या कबूतरी है इसके साथ में, और आपका दिल खुश हो जाएगा या कबूतरी देख के, आप बता दो भाई जो भी खिलाड़ी है वो इन चीजों ने देख के बता देगा हाँ क्या चीज है, ये देखो ये कबूतरी है, जीरो वाले कबूतरों में से है, जीरो बोल रहे हैं पाकिस्तान साइड, इन कबूतर हैं जीरो कबूतर, जीरो वाले कबूतर, ये देखो कबूतरी खड़ान वड़ान भी आप समझ गए, कद काठी गर्दन से ही पता चल जाए भाई, इतनी पतली गर्दन की, कबूतर के मुकाबले कबूतरी का पन छोटा है बिल्कुल, पंजे देख लो, सारे आई फ्लायर कबूतर दिखाए भाई ये मैंने आपको, गर्मी में इनकी उड़ा रहे, कम से कम भी रात को 10-10 बजे बैठते हैं मेरे पास बिना किसी नुस्खे के, सिर्फ बादाम पे बता रहा हूँ, बादाम पे सिर्फ, ये देख लो कैची में है कबूतरी, ठीक है, आपको खड़ान वड़ाम भी दिखा दूंगा बाद।